Good morning, students. In this video, I will start exercise 10.3, chapter number 10, class 7th. Usually, इस exercise में हम start करेंगे simple interest के questions. तो formula will be simple interest का SI equals to PRT upon 100 and second one is amount निकालने के लिए होता है formula. Amount equals to होता है principal plus SI. तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है, एंड SI क्या होता है. तो प्रिंसिपल इज बेसिक क्या होता है, प्रिंसिपल जो हम पैसे उधार लेते हैं, मूलधन, हिंदी में मूलधन बोलते हैं. तो प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम किसी से पैसे कुछ उधार ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, या फिर हम कोई भी चीज़ पैसे का कोई अमाउंट ले रहे हैं तो वो प्रिंसिपल होगी. अब कोई हमें पैसे दे रहा है तो वो हमें ऐसे तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट लगाएगा, ब्याज लेगा. इंटरेस्ट मतलब ब्याज लेगा. तो वो ब्याज किस पे लगी है, प्रिंसिपल पे लगी है. तो जो इंटरेस्ट लगी है एंड जो प्रिंसिपल है, वो दोनों मिलके बनाते हैं अमाउंट जो हमें उसको पे करना होगा. हमने जो पैसे लिए हैं वो तो हमें देने ही देने हैं, उसके साथ हमें ब्याज देनी है, तो वो होता है अमाउंट दोनों मिलके. और कुछ जो हमने पैसा उधार लिया होता है वो हमें कुछ टाइम में वापस करना होता है, तो कुछ टाइम पीरियड भी होता है. तो टाइम हो गया, और कितनी रेट परसेंट पे, कितने परसेंट ब्याज पे हमें वो पैसे उधार लिए हैं, तो वो भी मैटर करता है. तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेंगे. अब फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालनी है जब हमने 600 रुपये 600 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स 700 पर एनुअल के हिसाब से लिए हों. तो देखिए गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल गिवन है 600 रुपीज़, टाइम हमें गिवन है 3 ईयर्स एंड रेट है 7%. तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे SI का PRT अपॉन 100, वेयर P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट, T इक्वल्स टू टाइम अपॉन 100. वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे 600 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100. 0 0 एलिमेंट हो गई दोनों, बचा हुआ मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 126 आंसर हो जाएगा, जो हमें निकालना था. ऐसा ही निकालना था, ऐसा ही हमने निकाल लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. समीर डिपॉजिट 12,000 रुपीज़ इन अ फाइनेंस कंपनी विच पे 15% इंटरेस्ट पर ईयर. फाइंड द अमाउंट ही एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर 4 होल 1/2 ईयर. समीर ने कुछ पैसे कंपनी है जो फाइनेंस कंपनी है उसमें 12,000 रुपीज़ पे किए, मतलब जमा कर दिए, और उसको 15% के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट मिलेगी. और कितने टाइम में मिलेगी, 4 होल 2/2 ईयर्स में मिलेगी. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें पता है अमाउंट निकालना है कि 4.5 साल बाद या 4 होल 1/2 ईयर्स में उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा, उसने कितने दिए थे, 12,000 रुपीज़. तो गिवन है हमें यहाँ पे प्रिंसिपल 12,000 रुपीज़, रेट 15% और टाइम 4 होल 1/2 ईयर्स, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 4 8 और 1 9/2 ईयर्स हो जाएगा. अब हम लगाएंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 12,000 दिया हुआ था, रेट हमें 15 दिया था, टाइम पर 9/2, तो 2 नीचे चला जाएगा 100. तो 0 0 एलिमिनेट हो गई, 2 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100. और हमें निकालना क्या है, अमाउंट कितना मिलेगा. अमाउंट होता है प्रिंसिपल, जो पैसे हमने जमा किए और उस पर कितनी इंटरेस्ट मिली. तो प्रिंसिपल हमारा है 12,000 और ये हमारा ऐसा ही निकला है 8100, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमाउंट 20,100. नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीना डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ इन अ फाइनेंस कंपनी विच पे 15% पर एनुअल इंटरेस्ट. हाउ मच कैन समीना गेट्स एस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 4 ईयर्स. दो कंडीशन दी है उसने कि अगर प्रिंसिपल वो इतना डिपॉजिट करती है, इतने रुपीज़ को डिपॉजिट करती है फाइनेंस कंपनी पे, और इतना रेट परसेंट है, तो 3 साल में कितने मिलेंगे और 4 साल में उसको कितने पैसे मिलेंगे. तो हम पहला लिखते हैं फर्स्ट केस, तो 3 ईयर्स में कितने मिलेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल 10,000, रेट 15%, टाइम पहले 3 ईयर्स अपॉन 100. 0 से 0 कट जाएगा, तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट उसको 3 ईयर्स में कितने मिलेंगे, 4,500 रुपीज़ मिलेंगे. सेकेंड केस में लिखते हैं कि 4 ईयर्स में कितने मिलेंगे. तो प्रिंसिपल तो वही थी, रेट भी वही था, टाइम चेंज हो गया, टाइम हो गया 4 ईयर्स. 0 0 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6,000. तो 4 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे वापस, 6,000 रुपीज़. सॉरी, 4 साल में उसको सिर्फ इंटरेस्ट 6,000 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगी,
इंटरेस्ट। नेक्स्ट है इक्वल सम ऑफ रुपीज 7200 वर लैंड टू अमित एंड संजय एट 4% पर एनुअल। फाइंड द पीरियड ऑफ 4 years एंड 5 years रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय अमित एंड संजय। तो देखिए अमित को 4% की रेट पर 4 years के लिए सिंपल अकाउंट निकालेंगे, तो ऐसा ही बराबर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऐसा ही हो गया 1152। अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल 7200 था और एस आई हमारा हो गया 1152, तो हमारा अमाउंट निकल गया है 8352। संजय का निकालेंगे, संजय ने भी 4% के लिए मगर उसने 5 years के लिए लिया, तो यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ पहले 4 था अमित के लिए, 4 था संजय के लिए, 5 years है, तो उसको सॉल्व करेंगे सेम PRT अपन अंडर लगा के, तो उसके लिए अमाउंट निकलेगा 8640। तो डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का अमाउंट लिख देंगे, तो 8640 अमित का था, संजय का सॉरी, और अमित का 835, तो डिफरेंस कितना आ गया 288 का। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ मैन डिपॉजिट 50,000 रुपये बैंक में जमा करता है, उसको 6% की रेट से ब्याज मिलती है, तो उसको अपने जो ग्रैंडसन है, 5 ग्रैंडसन है उसको, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो पूछ रहा है कि कितने एक बच्चे को कितने पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 50,000 है, रेट क्या है 6, और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, टाइम क्या है 1 ईयर, तो हर साल वो निकालता है जो भी इंटरेस्ट आती है वो हर साल निकालता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपये, उसको 3,000 रुपये इंटरेस्ट मिलती है, 3,000 रुपये अगर उसको इंटरेस्ट मिलती है तो वो अपने 5 बच्चों को बांट देता है, तो वो ही डिस्ट्रीब्यूट मनी इन 5 सन, कितने बांटता है 3,000 रुपये, तो पूछ रहा है कि कितने एक बच्चे को कितना देता होगा, तो एक का निकालेंगे तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 600 आंसर हो जाएगा। ही डिस्ट्रीब्यूट ईच ग्रैंडसन रुपीज 600 पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर विल 750 अमाउंट टू रुपीज 930 एट 6% पर एनुअल। गिवन जो भी लिख लेंगे, प्रिंसिपल है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट, तो ऐसे ही निकालेंगे। ऐसे ही निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट रख देंगे 930, प्रिंसिपल रख देंगे तो ऐसा ही निकल के आएगी 180 रुपीज़। देन टाइम निकालना है, टाइम के लिए फॉर्मूला होता है ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 P into R, तो ऐसा ही हमने निकाली 180, 100, प्रिंसिपल 750 थी, मल्टीप्लाई 6 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 4 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जो सम ऑफ मनी है मतलब अमाउंट है वो डबल हो रहा है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल अगर मानते हैं पी है तो अमाउंट क्या हो रहा है डबल हो रहा है प्रिंसिपल का, तो मतलब अमाउंट क्या है ए 2p के बराबर है, तो सबसे पहले ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा ही निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है, अमाउंट 2p है ये p है, तो ऐसा ही क्या निकल के आएगा 2p में से p गया तो p, रेट निकालना है, रेट के लिए फॉर्मूला होता है ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 p into t अपॉन में, तो ऐसा ही क्या है हमने निकाला है p है 100 और प्रिंसिपल p है, टाइम क्या है 8 ईयर्स है, जैसे 4 के 4 2 जाइए 4 के टेबल्स 25 25 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो